पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नए संसद भवन के लोकार्पण में विपक्षी दल राजनीति ना करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद भवन को मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है। इसके लोकार्पण में शामिल होने का अधिकार और कर्तव्य सभी का है। प्रदेश अध्यक्ष गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने अभियान और कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच लगातार रहती है। हमें विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद देगी। प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी नगर निगमों में भाजपा की जीत से संदेश स्पष्ट किया है कि भाजपा जनता का भरोसा है। हाँ, ये सही है कि मुरादाबाद में उम्मीद के मुताबिक लीड नहीं मिली, इसकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी निगमों में भाजपा के बहुमत की बोर्ड बनेगी, आधे से अधिक पार्षद भाजपा के ही जीते हैं। हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद भवन का को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया और मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अपील है कि इसमें राजनीति ना करें। और हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है, पूरे देशवासियों के लिए, और इस अवसर का जब भी लोकार्पण हो, उद्घाटन हो, उसमें सबको भागीदारी करनी चाहिए। सबका अधिकार है और सबका कर्तव्य भी। सर, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है, अब 2024 के लिए क्या टारगेट रखा है आपने लोकसभा चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के, जनसंपर्क के, हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, लगातार हम जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार की हमारी तैयारी है और हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है मोदी जी के प्रति, और हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से देश की महान जनता का आशीर्वाद इसने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। और बीजेपी उत्तर प्रदेश से 100% सीटें, 80 की 80 सीटें जीती। इसके अलावा नगर निगम में अपनी जीत सभी जगह कर रहे, लेकिन इसके बाद नगर पंचायत हो या और जगह पर कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे होती हुई नजर आई, क्या वजह मानते हैं? जितनी पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे और पूरे प्रदेश में अगर आप जीत का अंतर देखोगे सभी नगर निगमों में, तो केवल मुरादाबाद में जीत का अंतर कम हुआ है। हालांकि हमारे वोट बढ़े हैं लेकिन मार्जिन कम हुआ है। बाकी जितने सारे नगर निगमों में 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ी है। सभी नगर निगमों में भाजपा का बहुमत है वोट में, आधे से ज़्यादा सभासद बीजेपी के जीते हैं। पिछली बार से दुगुनी नगर पालिका जीती है बीजेपी, 4 गुना नगर पंचायत जीती है। तो मैं प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से बीजेपी का जो संकल्प है शहरों को संवारने का और सजाने का, हमें उसमें लोगों ने जनादेश दिया है। और हमारी सरकार, केंद्र की भी सरकार, राज्य की सरकार, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से शहरों के विकास के लिए, शहरों को सजाने और संवारने के लिए काम करेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।